हेलो स्टूडेंट, हमने लेक्चर वन कंप्लीट कर लिया सॉलिड स्टेट का। अब हम लोग लेक्चर टू पर आएंगे। लेक्चर वन में हमने देखा था सॉलिड स्टेट में सबसे पहले सॉलिड को क्लासिफाई दो पार्ट में किया गया था। एक एमर्फस सॉलिड था और दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड था। हमें एमर्फस सॉलिड के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही आगे पढ़ना है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, फर्दर सॉलिड को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है और इसका कौन कौन सा बेसिस है। तो जैसे यहाँ पर कि आपको लास्ट चैप्टर में भी दिख रहा होगा कि जो आपको हाईलाइट किया हुआ पार्ट रहेगा, मैंने बोला था कि आप उसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केवल उनको डील करेंगे तो हमारा ये सॉलिड स्टेट खत्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो आपने ये देखा कि जितने सारे भी सॉलिड सब्सटेंसेस है उसमें से मैक्सिमम जो सॉलिड सब्सटेंसेस है वो क्रिस्टलाइन नेचर के। आप अगर मेटेलिक एलिमेंट्स की बात करें जैसे आयरन रॉड हो गया, कॉपर, सिल्वर, अगर आप नॉन मेटल्स की बात करें तो सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, और उसी तरह अगर आप कंपाउंड्स की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, आप जो टेबल सॉल्ट की बात करते हैं उसी तरह जिंक सल्फाइड, ये सारे क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड पर के एग्जाम्पल है। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसको फर्दर जो क्लासिफाई किया गया वो फोर कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। अब हम लोग देखते हैं ये फोर कैटेगरी जो है वो क्या क्या है। अब हम लोग मूव करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। कहने का मतलब क्या है, ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हम लोग देखते हैं ये मॉलिक्यूलर सॉलिड को वापस से हम लोग सब डिवाइड कर रहे हैं कुछ पार्ट में। ये पार्ट क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना। तो आपको ये टर्म याद आ रहा होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मतलब नॉन पोलर ये जो टर्म है, क्लास 11th में हमने बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा था उसमें पोलैरिटी के बारे में पढ़ा था। तो नॉन पोलर कौन से कंपाउंड होते थे, नॉन पोलर याद कीजिए जिसमें डायपोल मोमेंट जीरो होता था, मतलब म्यू जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, अगर डायपोल मोमेंट जो जीरो होता था उसको हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते थे। दे कंप्राइज ऑफ आइदर एटम्स, फॉर एग्जांपल आर्गन, हीलियम और मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आपको याद होगा आर्गन और हीलियम जो है ये नोबल गैसेस हैं, ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह पर का पोलैरिटी जनरेट नहीं होगा। वहीं अगर H2, Cl2, I2 की बात करें ये सारे भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर है तो इसमें कोई पोलर टाइप पर का इंटरेक्शन नहीं होगा। तो इनके बीच जो इंटरेक्शन है वो केवल वीक डिस्पर्शन फोर्स या फिर लंडन फोर्सेस की हम लोग बात करें, तो इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज आप देख पा रहे हैं, ये रूम टेम्परेचर में यूजुअली लिक्विड या फिर गैसी स्टेट में पाए जाएंगे। तो आपको पता ही होगा जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रहता है अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, बट इसको सॉलिड में इसलिए रखा गया है कि अगर मान लीजिए बहुत कम टेम्परेचर कर दिया गया है उस केस में ये सॉलिड के फॉर्म में होगा और ये जो सॉलिड होगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। नेक्स्ट आते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसके बारे में देख लेते हैं। ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है ये बनेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। कहने का मतलब इसमें डायपोल मोमेंट म्यू वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, तो इसमें एक्चुअली डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। आपको याद होगा HCl, SO2 ये सारे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से इस पे क्या होगा, चार्ज सेपरेशन हो जाएगा या चार्ज क्रिएट हो जाएगा। उसी तरह SO2 के बारे में भी बात करें, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पर सल्फर के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी ये जो बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड जो होगा वो पोलर टाइप पर का बॉन्ड हो जाएगा, और अगर पोलर टाइप पर का बॉन्ड होगा तो वहाँ डायपोल क्रिएशन होगा और उनके बीच डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होगा। तो रिलेटिवली हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के रेस्पेक्ट में पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का ज्यादा होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो हायर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, क्योंकि सीधा सा बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होना तो बनता है। यही अगर बात करें SO2 और NH3 जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो मेल्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज्यादा होगा। रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर में हो सकता है कि ये गैसेस फेज में हो या फिर लिक्विड फेज में हो। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। आपको हाइड्रोजन बॉन्ड भी याद आ रहा होगा, ये भी हम लोगों ने बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पेशल केस है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का,
मतलब यहाँ पर भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड ही होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जब बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच होगा, उस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ऐसा अगर कोई केस आएगा तो रिलेटिवली ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का एक बहुत ही बढ़िया केस है, जहां पर आप जैसे H2O जैसे एग्जांपल लेते हैं, H2O का मास काफी कम है लेकिन आप देखते हैं रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड फेज में होता है। तो इसका रीजन यही है कि इस पे इंट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ये भी नॉन कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, इससे पहले भी जितने सारे भी हमने देखा था पोलर और नॉन पोलर, वो भी नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के और ये भी नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के हो जाएंगे। वहीं अगर बात करें तो इसके बारे में बोल सकते हैं दे आर वोलाटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स। ये या तो वोलाटाइल लिक्विड्स होंगे या सॉफ्ट सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर की अगर बात करें तो। अब हम लोग ये क्रिस्टलाइन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट को हम लोगों ने बोला आयोनिक सॉलिड्स, है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। आयन्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द आयोनिक सॉलिड्स, मतलब ये जो आयोनिक सॉलिड्स होंगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, आयन्स होंगे। Such solids are formed by the three-dimensional arrangement of cations and anions. आपको पता है cations और anions को ही हम लोग ions बोल रहे हैं। अब अगर cation और anion already है तो आपको पता है कि उसमें force of attraction तो ज्यादा होगा, उसमें कूलम्बिक force of attraction काम करने लगेगा, है ना। वही देखते हैं यहाँ, three-dimensional arrangements of cations and anions bound by strong कूलम्बिक forces. These solids are hard and brittle in nature. Of course, यहाँ पर force of attraction अगर बहुत ज्यादा होगा तो वो उनका तो हार्ड होना बनता है ना। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये अगर उनके बीच वापस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा की अगर हम लोग बात करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी तो हाई होना बनता है। सिंस द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, अगर हम लोग सॉलिड फेज की बात करें तो आयंस एक दूसरे से काफी कॉम्पैक्ट है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तभी कर सकता है जब उनके उनमें हम लोग बोल सकते हैं आयंस पर का मूवमेंट हो, मोबिलिटी हो। अगर उनमें मोबिलिटी नहीं है तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स का ही तो काम करेंगे ये, क्योंकि आयंस का फ्लो फिर उस समय रुक जाएगा। बट अगर हम लोग बात करें मोल्टन स्टेट का, मोल्टन स्टेट में क्या हो जाएंगे, ये जो आयंस है आयंस का मूवमेंट उनमें फ्री मूवमेंट हो सकता है, उस केस में ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। या फिर फ्यूज्ड केस की बात करें, इसको अगर वाटर में हम लोग डिसॉल्व करा दें, डिसॉल्व कराते हैं आपको पता होगा जैसे आयनिक सॉलिड टेबल सॉल्ट की बात करें NaCl जो है उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उस केस में क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा और ये जो आयंस है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और उस केस में हम लोग बोल सकते हैं वो गुड कंडक्टर हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने कुछ फिल्मों में भी देखा है ये सारा बात। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। मेटल्स आर orderly collection of positive ions surrounded by and held together by a sea of electrons. Actually ये जो metallic solid है, हमने metallic bond के बारे में भी class 11 में पढ़ा था, तो इसमें होता क्या है कि ये जो positive ions है इनको kernels के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, एक kernels पर का set होता है जो साथ में एक साथ में रहते हैं, मतलब एक cluster के तरह से होते हैं और ये जो electrons हैं वो चारों ओर इनको surround किए हुए रहते हैं ना। और एक्चुअली यही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं ना, तो ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड आर इवनली स्प्रेडेड आउट थ्रू आउट द क्रिस्टल, और ये पूरे क्रिस्टल में फैले हुए होते हैं। ईच मेटल एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दिस सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, दीज फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। आपको पता है जो मेटल्स हैं इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी होता है, इसका रीजन यही मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री है, मतलब आसानी से मूव कर सकते हैं, तो इनके वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या फिर थर्मल कंडक्शन की बात करें तो वो पॉसिबल हो पाता है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द वन पोर्शन ऑफ मेटल, जैसे कि आपको पता है ये जो मेटल में कंडक्शन मीडियम होता है जहां पर से कि आपका थर्मल एनर्जी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है, उसका रीजन भी यही फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल इज देयर लस्टर एंड कलर, और ये लस्टर है या उनमें एक कलर का बात करें तो यही सारे इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन से ये आसानी से एक्साइट हो जाते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं, तो ये शाइन कर सकते हैं, इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं ये इसमें लस्टर आता है या फिर इसमें कलर होता है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बात इसमें लिख रखा है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और उसी के वजह से इसमें ये सारा चीज देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, देखिए ये नेक्स्ट पार्ट है,
हमारा सॉलिड फेज का मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम लोग बोले तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें जरा देख लेते हैं ये क्या कुछ बोलता है। अ वाइड वैरायटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ नॉन मेटल्स रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट एटम्स थ्रू आउट द क्रिस्टल। अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। आपको पता है नॉन मेटल्स में जो बॉन्ड बनता है बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटल इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, और इसको हम लोग जायंट मॉलिक्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जायंट मॉलिक्यूल्स याद रखना। कोवलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रांग एंड डायरेक्शनल इन नेचर। वापस से ये बात आपको पता ही होगा कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये डायरेक्शनल नेचर का होता है। देयरफॉर द एटम्स आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली एट देयर पोजिशन, सच सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। अब इनसे जो सॉलिड बनता है क्योंकि ये डायरेक्शनल नेचर के हैं और अगर बहुत सारा बॉन्ड बनाते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड एक तरह का स्ट्रांग बॉन्ड होता है। और अगर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एटम की बात करें वो मल्टीपल टाइप पर का बॉन्ड बनाता है तो मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। मान लीजिए सेट ऑफ स्टिक्स है, उनको अगर हम लोग एक थ्रेड से बांधते हैं तो रिलेटिवली हम लोग बोल सकते हैं वो वीक रहेगा, लेकिन अगर हमने उसमें काफी सारा बाइंडिंग थ्रेड यूज किया तो वो रिलेटिवली अब हार्ड हो जाता है। तो उसी तरह अगर ये जो एटम्स हैं ये मल्टीपल टाइप पर के बॉन्ड बनाते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने से क्या हो जाता है, इनमें जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा आ जाता है और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाता है और इसी वजह से इनको तोड़ना काफी मुश्किल होता है। तो वही लिखा हुआ है, सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, मतलब ये बहुत हार्ड होते हैं। दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब आपको एक बात आ गया, अगर बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई और बहुत हार्ड हो गया मेल्टिंग पॉइंट जो है वो तो हाई जाना बनता है ना। इवन डिकम्पोजेस बिफोर मेल्टिंग, ये मेल्टिंग से पहले क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। दे आर इंसुलेटर्स एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड, जैसे डायमंड का एग्जाम्पल आपको पता है, यहाँ पर देखो डायमंड का फिगर भी दिया हुआ है। तो डायमंड आपको पता है डायमंड में होता क्या है, एक कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, मतलब चार अलग अलग कार्बन से अटैच होता है। देखिए आप इस कार्बन की बात करें तो ये चार अलग अलग कार्बन से अटैच है, मतलब चार अलग अलग बॉन्ड बना रहा है। तो चार अलग अलग बॉन्ड बना रहा है तो देखिए ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है। कॉम्पैक्टली पैक्ड होने का मतलब क्या है, इसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। अगर ये इसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इस तरह का कुछ शो नहीं कर पाएगा। जबकि अगर मूवमेंट नहीं होगा तो ये काफी हार्ड होगा। सारे के सारे जो कार्बन एटम्स हैं वो चार बॉन्ड बनाएंगे, तो चार बॉन्ड बनाएंगे तो चार बॉन्ड बनाने के वजह से ये जो है टेट्राहेड्रल शेप में हो जाएंगे, इस तरह पर का कुछ लैटिस पर का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये जो होगा इस तरह पर का सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, वापस से मैं पढ़ रहा हूँ, दे आर इंसुलेटर्स एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल जो है हमने डायमंड ले लिया, और एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है सिलिकॉन कार्बाइड। ये याद रखना, इसका भी स्ट्रक्चर सिमिलर टाइप पर का ही होता है। आपको याद होगा सिलिकॉन भी कार्बन के जस्ट नीचे आता है अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो। इस तरह से ये भी बॉन्ड बनाएगा और काफी स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा और इस वजह से ये भी काफी हार्ड हो जाएगा, है ना। वहीं अगर बात करें ग्रेफाइट, ये एक तरह का एक्सेप्शन की तरह काम करेगा, है ना। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता होगा ग्रेफाइट जो है वो बेसिकली तीन ही बॉन्ड बनाता है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और उसका एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है, मतलब आपस में वो जो है लेयर के फॉर्मेशन में होंगे। देखिए मान लीजिए ये पर्टिकुलर एक लेयर हो गया, है ना, ये एक लेयर हो गया, आपको ये एक लेयर हो गया, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप अगर कोई भी एक ग्रेफाइट का कार्बन को आप ले सकते हैं तो देखिए ये तीन ही बॉन्ड बनाया है। तो तीन बॉन्ड अगर बनाया है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज के फॉर्म में होंगे, और sp2 हाइब्रिडाइज के फॉर्म में होंगे तो sp2 हाइब्रिडाइज आपको याद होगा कि ये एक प्लेनर टाइप पर का स्ट्रक्चर बनता है। और यहाँ पर अगर तीन बॉन्ड बना रहे हैं तो कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन में तीन ने बॉन्ड बनाया, मतलब आउटर सेल की अगर बात करें, आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, या ये कहें कि वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अब ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट या फिर हीट कंडक्ट कर सकता है, और यही वो रीजन है, और ये सारे जो लेयर्स हैं वो दोनों एक दूसरे पर स्लाइड कर सकते हैं। वापस देख लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं इसमें लिखा क्या है। कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेयर्स एंड ईच एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू थ्री ऑफ इट्स नेबरिंग एटम्स इन द सेम लेयर। ठीक है, तो एक कार्बन एटम जो है केवल और केवल तीन कार्बन एटम के साथ अटैच होगा। द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम इज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट लेयर एंड इज फ्री टू मूव अबाउट। और यही जो इलेक्ट्रॉन मैंने बोला था, इसी के वजह से सारा कंडक्शन वगैरह का काम होता है। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन मेक ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिफरेंट लेयर कैन स्लाइड वन ओवर द अदर।
दिस मेक्स ग्रेफाइट अ सॉफ्ट सॉलिड एंड अ गुड सॉलिड लुब्रिकेंट, और इसी की वजह से इसको सॉलिड लुब्रिकेंट के तौर पर भी यूज करते हैं। दैट्स इट, हम लोग अब लेक्चर खत्म करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करेंगे।